कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। देख सकते हो कितने सजा के रख दिया फूल। ये वाला है हमारा एकेडमिक ब्लॉक वन, हमारा जो क्लास व्लास होता है सब इसमें ही होता है। तो देख सकते हो ये वाला है गर्ल्स हॉस्टल और इसके पास में एक नया बिल्डिंग और सामने देख सकते हो हमारा ऑडिटोरियम। और ये जो लोकेलिटी ना वो रिशम्बा है। गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इम्फाल। तो ये पूरा एक कैंपस टूर वाला वीडियो होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो देख सकते हो गाइज ये वाला है हमारा जो मेन गेट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। और सामने है इसका SBI का ATM। आज संडे है इसलिए बंद है, नॉर्मली खुला ही रहता है और पैसे वैसे भी निकल सकते हो। वैसे और इधर लिखा है हिंदी में लिखा है, इससे अंदर आते ही देख सकते हो आप इधर सिक्योरिटी है, अगर कोई बाहर वाला अंदर आ रहा है तो इधर नाम लिखना पड़ता है। और ये वाला है कुछ सामने का व्यू देख सकते हो ऐसे। ये वाला है हमारा कॉलेज के अंडर में जो रोज़ गार्डन, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने ही हमारा ये रोज़ गार्डन। तो चलो चलते हैं। और इधर देख सकते हो अब इधर है इंटीग्रेटेड बी कीपिंग जो एंटोमोलॉजी के अंडर में आता है, बी कीपिंग वाला यूनिट है ये। और इधर देख सकते हो पूरा डायरेक्शन दिया हुआ है किधर किधर जो भी है, ये वर्कशॉप ऑडिटोरियम कैंटीन पीजी बॉयज हॉस्टल सब दिया हुआ है। जो इस डायरेक्शन में जाएगा तो यूजी हॉस्टल है, इधर पीजी गर्ल्स हॉस्टल है। तो चलो ये वाला देख सकते हो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और इधर लाइब्रेरी भी इधर ही है, एक साथ ही है। तो चलो अंदर चलते हैं देखते हैं क्या है। और देख सकते हो कितना सजा के रख दिया फूल वूल वगैरह सब। तो देख सकते हो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और जो भी ऑफिशियल वगैरह काम होता है सब इधर ही होता है इधर। और इधर है डीन का रूम और इधर जो 15 अगस्त वाला आज़ादी का अमृत महोत्सव देख सकते हो। तो देख सकते हो गाइस ये वाला है हमारा एकेडमिक ब्लॉक वन, हमारा जो क्लास वाइज होता है सब इसमें ही होता है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है इसका पीछे ही है ये वाला देख सकते हो। तो चलो अंदर जाते हैं आपको क्लास वाइज वगैरह वो दिखाता हूँ। तो देख सकते हो इधर ये वाला है सोयल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, इस ये पूरा लाइन। और इधर है डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सब टीचर इधर ही पढ़ते हैं। तो देख सकते हो ये वाला है फर्स्ट ईयर वाला क्लासरूम, जो फर्स्ट ईयर में आना चाहते हैं वो आप लोगों का क्लास देख लो। कुछ ऐसा सा है ये क्लासरूम और इधर बोर्ड है और प्रोजेक्टर भी है इधर देख सकते हो, कुछ ऐसा सा है। तो देख सकते हो ये कुछ ऊपर का व्यू है, कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा कॉलेज। तो देख सकते हो गाइस ये वाला है हमारा जो कॉलेज का स्मार्ट क्लासरूम, कुछ ऐसा सा है। तो देख सकते हो बाहर का कुछ व्यूज ऐसा दिखता है बाहर से। और इधर हम अभी मैं जा रहा हूँ जो हमारा एकेडमिक ब्लॉक टू है, जिसमें एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है। चलो तो गाइस ये वाला है हमारा एकेडमिक ब्लॉक टू और इसके पास ही जो एटिक वाला बिल्डिंग देख सकते हो, कुछ ऐसा सा। तो चलो अंदर चलते हैं एकेडमिक ब्लॉक के अंदर, आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ये वाला जो लाइन है पूरा एग्रोनॉमी वाला डिपार्टमेंट। और इसके अंदर में जो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जो काम वाम होता है फील्ड वर्क होता है तो इसमें भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, इधर भी करते हैं। तो कुछ ऐसा सा है देख सकते हो। तो देख सकते हो गाइस ये वाला है लैंग्वेज लेबोरेटरी और इसके अंदर में बहुत सारा कंप्यूटर वगैरह है देख सकते हो, कुछ ऐसा सा। तो ये एकेडमिक ब्लॉक टू है और इसके पास ही देख सकते हो ये वाला गर्ल्स हॉस्टल, तो चलो उधर ही दिखाता हूँ आपको। और ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के अंडर में है, एक्सपेरिमेंटल फील्ड है ये। तो देख सकते हो गाइस ये वाला है गर्ल्स हॉस्टल और इसके पास में एक नया बिल्डिंग बन रहा है जो नया वाला गर्ल्स हॉस्टल होगा इधर बनेगा, और ये वाला है पुराना वाला। और इसके पास में ये देख सकते हो ये वाला है गेस्ट हाउस, अगर कोई आना चाहता है तो इधर रह सकता है। तो चलो अंदर जाके दिखा देते हो अच्छे से। देख सकते हो अभी हम चुके हैं जो गेस्ट हाउस है इसके अंदर में, तो चलो अंदर जाके दिखाते हो आपको। तो कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा कॉलेज का जो गेस्ट हाउस है देख सकते हो। और इधर में कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जो गेस्ट हाउस में आके रहना चाहते हैं आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आना चाहते हो तो। तो ये वाला देख सकते हो लेक कल्चर वाला यूनिट है ये, कुछ ऐसा सा है।
और ये वाला है जो काऊ सीड प्रोसेसिंग प्लांट, देख सकते हो कुछ ऐसा है, बहुत बड़ा है अंदर से। और इसके पास ये देख सकते हो फार्मर फार्मर्स हॉस्टल, तो कोई अगर फार्मर बाहर से आता है तो इधर रहने के लिए उधर जगह है। तो देख सकते हो ये वाला है टीचर वाला क्वार्टर, इधर भी है और इधर बहुत सारा, शायद 14 ये बिल्डिंग है जो टीचर वाला क्वार्टर है, देख सकते हो कुछ ऐसा सा। तो देख सकते हो गाइस ये वाला है एनिमल हस्बेंड्री वाला डिपार्टमेंट, और इसके पास है कुछ ये वाला है चिकन वाला, उधर पोनी शेल्टर भी है। तो चलो दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये वाला है पोनी शेल्टर और इधर है जो चिकन वाला, दिक्कत। तो ये देख सकते हो, तो देख सकते हो गाइस ये वाला है काऊ शेल्टर, कुछ ऐसा सा है। और ये काऊ के पास ही था ये पिक वाला जो, लेकिन अभी ये एक भी पिक नहीं है, पता नहीं क्यों, और पूरा बना हुआ है देख सकते हो कुछ ऐसा। ये वाला है वर्मी कंपोस्ट डिपार्टमेंट जो कि सोयल साइंस के अंडर में आता है। तो चलो देखते हैं, कुछ ऐसा सा है वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, देख सकते हो। तो ये वाला देख सकते हो, ये वाला है पीजी बॉयज हॉस्टल, तो अंदर जाके भी दिखाऊंगा कि अंदर कैसा है। तो चलो अंदर चलते हैं। ये वाला है पीजी बॉयज हॉस्टल का इंडोर वाला डो, देख सकते हो कुछ ऐसा है। इधर है रूम वगैरह सब इस साइड में है, और इधर वाला है मेस, तो देख सकते हो ये वाला है पीजी बॉयज हॉस्टल का मेस कुछ ऐसा सा। तो गाइस अभी फिर से आ चुका हूँ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसके सामने, क्योंकि एक साइड अभी ख़त्म हो गया, तो अभी इसका दूसरा साइड दिखाऊंगा जो कि ये वाला बॉयज हॉस्टल कैंटीन वगैरह सब ये वाला साइड दिखाऊंगा। और ये वाला देख सकते हो, ये वाला है हमारा एग्री इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट कुछ ऐसा सा है ये। और ये हमारा कॉलेज का बस, और सामने देख सकते हो हमारा ऑडिटोरियम। अभी ऑडिटोरियम बंद है तो सामने जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये से देख लो कुछ ऐसा सा, देख सकते हो कितना सुंदर है ये वाला एरिया। और इधर है हमारा मशरूम यूनिट, अगर आपने पहले से मेरा वीडियो देखा तो इसको तो मालूम ही होगा आपको कुछ ऐसा सा है। तो देख सकते हो गाइस ये वाला है हमारा कॉलेज का कैंटीन, तो अभी बंद है 3 महीने से, क्योंकि मणिपुर का सिचुएशन तो आपको मालूम है, इसलिए अभी बंद है। और देख सकते हो कुछ जंगल टाइप का हो गया पूरा कैंपस में ही, कुछ ऐसा है क्योंकि 3 महीने से कॉलेज बंद था, तो आप सोच ही सकते हो कैसे क्या हालत है। ये वाला जो पूरा एरिया है ना, पूरा एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के अंडर में है जो काम वाम होता है सब ये साइड में। तो अभी थर्ड ईयर लोगों ने शायद वो प्लॉट लगाया, तो राइस लगाएगा शायद इधर, और उधर ये वाला पूरा उस साइड है जो पीजी वाला, और सामने ये हेल्थ सेंटर भी है। तो चलो, तो ये वाला है हेल्थ सेंटर, देख सकते हो आप एम्बुलेंस वगैरह भी है, तो छोटा मोटा अगर कुछ होता है तो इधर देख सकते हो आप, दवाई वगैरह भी मिल जाएगा। और ये हेल्थ सेंटर के पास में ही देख सकते हो ये वाला है बायो फर्टिलाइजर यूनिट जो 70 लाख वाला है, डीन के अंडर में है वो, तो ELP में काम कहता है अपने इधर। तो देख सकते हो गाइस ये वाला है पीजी गर्ल्स हॉस्टल ये वाला, और इसके सामने इधर है हमारा बॉयज़ हॉस्टल, और ये वाला है जिमनेशियम। तो चलो चलते हैं अंदर। और ये वाला जो देख रहे हो वो है हमारा फील्ड, फुटबॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह सब इधर ही खेलते हैं, लेकिन अभी तो घास वास नहीं कटे क्योंकि बंद है आपको पता ही है इसलिए। ये वाला है हमारा जिमनेशियम, इंडोर स्पोर्ट्स वगैरह सब इधर, तो देखते हैं अंदर से चलो। तो देख सकते हो गाइस ये वाला है जो इंडोर गेम्स वगैरह सब, बैडमिंटन टीटी सब इधर ही है, ये वाला टीटी बैडमिंटन कुछ ऐसा, और लाइट वगैरह भी देख सकते हो। और ये वाला है जिम, ऑलमोस्ट सभी है बेसिक वगैरह सब है इसमें। तो ये मैं फर्स्ट फ्लोर में आ गया, फर्स्ट फ्लोर से कुछ ऐसा व्यू है। ये वाला जो रूम है ना, इसमें आप अगर छोटा मोटा कुछ प्रोग्राम है वो कर सकते हो, या फेयरवेल वगैरह जो छोटा मोटा मीटिंग वगैरह सब इसमें कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइस ये वाला है हमारा प्यारा बॉयज़ हॉस्टल, कितना अच्छा है देख सकते हो, जिसको मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। तो अंदर से देखते हैं कैसा है हमारा बॉयज़ हॉस्टल। और अंदर आते इस साइड में है मेस वगैरह, और इस साइड है जो रूम्स वगैरह सब, और इसमें नया बॉयज़ हॉस्टल बन रहा है। तो ये वाला है हमारा बॉयज़ हॉस्टल का कॉरिडोर, देख सकते हो कुछ ऐसा है रूम्स, दो साइड रूम्स है, और एक रूम के अंदर दो लोग रहते हैं नॉर्मली। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि रूम कैसा होता है, ये रूपम का रूम है, तो ये दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हो ऐसे दो बेड रहते हैं कुछ ऐसा सा,
देख सकते हो ये वाला है टॉयलेट जो इस कॉरिडोर का, और देख सकते हो कुछ ऐसा है सब, पानी आ रहा है क्या अभी? ये अभी पानी नहीं है। और ये वाला जो ब्लॉक है ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये फोर्थ ईयर वालों के लिए, पूरा ब्लॉक फोर्थ ईयर का है। नया वाला है ये देख सकते हो कुछ ऐसा, और इसमें फायर प्रूफ वगैरह भी लगाए हुए हैं। आपको एक रूम दिखा देते हो फोर्थ ईयर का, और फोर्थ ईयर के लोग नॉर्मली सिंगल ही रहते हैं, कुछ ऐसा सा है फोर्थ ईयर का। ये वाला जो है ना नया वाला है, नया वाला रूम, और इससे कुछ व्यूज देख सकते हो, इससे ऐसा है। तो देख सकते हो गाइस ये वाला है हमारा बॉयज हॉस्टल का छत, और छत से कुछ ऐसा व्यूज है, पूरा कॉलेज दिखता है हमारा छत से। और इधर देख सकते हो फ्लाइट भी जा रहा है, कितना पास से दिख रहा है। और ये वाला जो पहाड़ है देख सकते हो, अगर आपने मेरा शॉर्ट्स वगैरह देखा तो आपको पता ही है कि इसका क्या हालत हुआ था। और ये वाला जो पहाड़ है ना, इसका भी कुछ हालत ख़राब हो गया था, मेरे शॉर्ट्स में देख लेना। ये देख सकते हो ये वाला जो नया वाला बिल्डिंग बन रहा था, तो मणिपुर का सिचुएशन की वजह से वो भी बंद हो गया अभी। देख सकते हो गाइस ये वाला अभी हम छत का दूसरे साइड में आ गया, और इस साइड में, इस साइड से पूरा देख सकते हो लोकेलिटी स्टार्ट हो गया। और ये जो लोकेलिटी है ना वो विदिशंबा है कुछ ऐसा सा। तो ये देख सकते हो अगर पानी वानी नहीं रहेगा तो इधर टैंकी भी है, टैंकी में हमेशा पानी रहता है। और इधर हमारा जूनियर लोग काम भी कर रहे हैं। ये वाला है हमारा टीवी रूम देख सकते हो बॉयज हॉस्टल के अंडर में, कुछ ऐसा है। ये तो हमेशा बंद ही रहता है, लेकिन अगर कभी आईपीएल चल गया या फिर फुटबॉल मैच है तो ही ये चलता है, नॉर्मली हमेशा खाली रहता है ये वाला। ये वाला है हमारा जो असिस्टेंट वार्डन है इनका रूम, और हमारा मेस देख सकते हो। आज इन लोगों का पार्टी है तो ये बना रहे देख सकते हो। इधर से नॉर्मली खाना बना देते हैं, तो इधर से खाना लोगे और इधर बैठ के खाओगे, और अगर सीनियर हो गए तो आप रूम भी ले सकते हो। तो देख सकते हो गाइस ये वाला है हमारा बॉयज हॉस्टल का किचन, और इधर पार्टी चल रही है इन लोगों का, तो ये सब पकड़ रहे देख सकते हो। कुछ ऐसे है, और इधर चिकन बन रहे हैं इन लोगों का, और राइस तो बन गया अभी। इधर क्या बनेगा अभी? अभी इसमें चिकन डालेगा, बिरयानी बनेगा। तो गाइस ये वाला था जो पूरा कैंपस टूर, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।